शुरुआत करते हैं कुछ क्षण प्रैक्टिस के साथ। हमने देखा कि जो सच्चा मैं है, रियल आइडेंटिटी, वो अदृश्य है, आंखों से दिखता नहीं है, और वो ही इस स्थूल दुनिया में अदृश्य मेहमान है, इस स्थूल दुनिया रूपी रंगमंच पर अदृश्य एक्टर है। वो इस फॉरेन लैंड में, पराई दुनिया में अदृश्य मुसाफिर है। और ये अदृश्य मुसाफिर यहाँ पर एक मुसाफरी पर है, यात्रा पर है, ये उसकी दुनिया नहीं है। यहाँ पर वो सब कुछ यूज कर सकता है, और जब तक वो इस पराई दुनिया में है, तो यहाँ के जो नियम है कुदरत के, उसको पालन करता रहता है। तो मेहमान को सम्मान दिया जाता है कुदरत द्वारा। और बहुत सहज है, बस मेहमान ये याद रखे कि वो यहाँ पर मेहमान है और ये उसकी दुनिया नहीं है। उसकी दुनिया प्रकाश की दुनिया है। उसकी अपनी दुनिया जहां वो अदृश्य राजकुमार है। बिल्कुल निश्चिंत है, सुरक्षित है, उसका कभी भी कुछ चिंता नहीं है। स्थूल दुनिया के बाहर उसकी असली दुनिया है। और जितना वो इस दुनिया को अपनी दुनिया अनुभव करता है, जस्ट मेडिटेशन शब्द कहना, ऊपर से थोड़ी देर के लिए योग ध्यान कहकर बस एक कल्पना करना, विजुलाइज करना, वो अलग बात है। लेकिन ये अदृश्य राजकुमार जगता तब है जब वो अदृश्य दुनिया को अपनी दुनिया मानता है।
उस दुनिया को जीता है, अनुभव करता है। ये राजकुमार इन अदृश्य खजानों को अनुभव करता है। ये इसके खजाने हैं, शांति इसका खजाना है। इन जहां पर वो ड्रामा में आता है स्मृति के साथ, ये उसकी दुनिया नहीं है। उसके सारे खजाने, अविनाशी खजानों का वो अनुभव करता है। शांति, प्रेम, आनंद, यदि वो ड्रामा की दुनिया को अपनी दुनिया समझता है, तो राजकुमार का जीवन, राजकुमार के अनुभव वो मर्ज हो जाते हैं, छिप जाते हैं, और एक बेगर का जीवन शुरू हो जाता है। अभी भी आगे का जो समय है, 1 घंटे का समय, तो वो भी एक परफॉर्मेंस चलेगी। अगर इस परफॉर्मेंस को देखने वाला कौन? वो है अदृश्य ऑब्जर्वर, साक्षी। पूरी परफॉर्मेंस को स्टेप बैक करके वो देख रहा है। ओम शांति। थैंक यू। यहाँ पर ये जो अदृश्य सितारा है, इसी को हम प्रिंस भी कहते हैं, राजकुमार भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में तो राजकुमार है, द प्रिंस कंप्लीट है, फुल है, परफेक्ट है।
प्रिंस है, ये गेस्ट भी है, मेहमान भी है, जब ये फिजिकल वर्ल्ड में आया है तो मेहमान भी है ये। साथ साथ में ये इस फिजिकल वर्ल्ड में ट्रैवलर भी है, मुसाफिर भी है। डिफरेंट वर्ड्स के साथ हम डिफरेंट प्रैक्टिस, डिफरेंट अभ्यास कर सकते हैं, और ये सारे अभ्यास जो है वो सच्चे आई को, सच्चे मैं को अटेंशन देते हैं, सच्चे मैं पर वो लाइट डालते हैं। तो मुसाफिर भी है साथ में, इसमें एक्टर भी है। इनविजिबल और एक्टर के साथ साथ ऑब्जर्वर भी है। साक्षी ना, क्योंकि पूरे फिल्म को, ये पूरे ड्रामा को, मूवी को ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट तरीके से हम इसको, इस सच्चे मैं को जागृत कर सकते हैं। एंड जितना ज्यादा इन एक्सपीरियंसेस में, इन वर्ड्स के साथ, इन प्रैक्टिसेस में हम खेल रहे हैं, तो उतना ज्यादा जो हद के, जो लिमिटेड आई है, स्मॉल आई, वो जो है टूटते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है, जो इस बॉक्स के आधार पे है। तो एक चीज होती है सब पता होना, एक चीज होती है सब कुछ समझ में आना, लेकिन मेन चीज होती है प्रैक्टिस। जहां पर समझ है, अग्रीमेंट है कि हाँ यही सच है, बट अग्रीमेंट तक हमारा गेम शुरू भी नहीं होता है ना। अग्रीमेंट भी हो जाए तब भी एक भी ईगो का जो आई है, सिर है, वो कुछ भी, उसको उसको कोई खत्म होने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इवन इफ हम इसको सबको अग्री कर रहे हैं, हमारी सहमति है, तो ईगो, ये सारा ईगो भी, आइडेंटिटीज भी सहमत रहती हैं ना, उनकी भी सहमति रहती है, अग्री, दे ऑल्सो अग्री, बट द होल पॉइंट इज कि इसको खत्म करना। और खत्म करने के चार या पांच तरीके नहीं है, खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, इनको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि इसको अटेंशन देना, इसको फीड नहीं करना, एक ही तरीका है। इसको अटेंशन देंगे, ये फीड नहीं होंगे, इसको फीड नहीं कर रहे हैं तो जरूर इसको अटेंशन दे रहे हैं, इसकी दुनिया को अपनी दुनिया समझ रहे हैं। सो वो सारी जो बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, अग्रीमेंट है, वो अच्छा है, एक लेवल पे अच्छा है, बट यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट जो स्पिरिचुअल मॉडल है वो ये कहता है, जो कल भी हमने देखा, कि वो एक क्वेश्चन पूछता है कि आर यू गुड और आर यू राइट। तो गुड है, अच्छा है, ये सबको बिलीव हो रहा है, आर यू राइट, आर यू ऑन द राइट साइड। तो हमारा एम गुड नहीं है, हमारा एम है राइट, राइट की तरफ। अभी यहां पर क्वेश्चंस हम ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, प्लीज एक्सप्लेन कार्मिक अकाउंट्स इन मोर डिटेल, दिस इज द सेम या एज पेन मैसेज। सो हर कार्मिक अकाउंट जो हम देखते हैं, कार्मिक अकाउंट, कार्मा, वो क्या है? वो एक हर तरीके का जो कार्मिक अकाउंट है वो एक हमें पेन क्रिएट करता है, चाहे वो बॉडी के साथ है,
चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है. तो कार्मिक अकाउंट, व्हाट वी मीन, एक तरीके का पेन एक्सपीरियंस होता है, दुख. कार्मिक अकाउंट का मतलब ही है कि सोल, आत्मा जो यहाँ पे गेस्ट आई है, उसने कोई ना कोई आइडेंटिटी क्रिएट करी है. तो उसने अपने रोल के आधार पे कोई आइडेंटिटी क्रिएट करी है. तो ये जो आइडेंटिटी है कि मैं ये हूँ ना, वट एवर, मैं ये हूँ या वो हूँ, कुछ भी, तो ये जो आइडेंटिटी है, इससे कार्मिक अकाउंट क्रिएट होते हैं. सो फर्स्ट कार्मिक अकाउंट इज कि आई क्रिएटेड एन आइडेंटिटी. तो कार्मिक अकाउंट मैंने क्रिएट किया है कि मैंने अपने माइंड के अंदर एक आइडेंटिटी को जन्म दिया, वो ही कार्मिक अकाउंट है. अब उस आइडेंटिटी की वजह से उसको सेटल करने के लिए कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कोई कैसे भी, कुदरत जो है वो इसको सेटल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक जरिया बनता है. तो यहाँ पर ऑर्डिनरी वे, पत्थर बुद्धि से हम ऐसा समझते हैं कि ये इस व्यक्ति के साथ पेन हो रहा है, तो इसके साथ कार्मिक अकाउंट है. तो उसके साथ नहीं है कार्मिक अकाउंट, मेरा अपने अंदर, मैंने अपने माइंड में जो एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है, दैट इज माई कार्मिक अकाउंट. अगर मैंने ये हटा दिया तो उसके साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, है ना, उधर मेरा फिर कुछ भी नहीं है. सो दिस आइडेंटिटी, अगर मैं अपने को टीचर समझ रही हूँ, तो किसी स्टूडेंट से, क्लास में जा रहे हैं, कोई एक स्टूडेंट है जो बार बार परेशान कर रहा है, बार बार अटेंशन ले रहा है, कुछ नॉटी कर रहा है, इफ आई ड्रॉप, अगर किसी दिन मैं वो ड्रॉप कर दूं कि मैं टीचर की कॉन्शियसनेस, मैं टीचर हूं, इसको मैं छोड़ दूं, तो वो स्टूडेंट वैसे ही कर सकता है, बट आई विल नॉट फील कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है, यहाँ पे कोई अकाउंट है. सो दिस इज कार्मिक अकाउंट. हर एक सोल ने अपने खुद ही माइंड में जो आइडेंटिटीज बनाई हैं, वो ही उसका कार्मिक अकाउंट है. एंड फाइनल स्टेज जहाँ पे ये सारे आई जो हैं ये खत्म हो गए हैं, तो इस स्टेज को जहाँ पे आत्मा वापस एक वन आई में स्टेबलाइज हो गई है, इसको कहा जाता है कर्मातीत. इसको कहते हैं कंप्लीट, फुल फुल स्टेज, फुल स्टेट ऑफ द सोल. तो जब शरीर छूटता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आत्मा कंप्लीट हो गई है या कर्मातीत स्टेज. शरीर छूटता है तो ये सारे जो आई हैं वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाते हैं. आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, वो दूसरा शरीर लेती है. और आई अगर है तो फिर वैसा वहां पे कैरेक्टर, वैसी वहां पे पर्सनैलिटी बनती है. और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सोल इस आइडेंटिटीज को कैसे लेके जाती है? आत्मा का जो भी फंक्शन है उसको फैकल्टी कहा जाता है. तो जब तक आत्मा है तो माइंड है, इंटेलेक्ट है, और माइंड में जितनी आइडेंटिटीज बनी हुई है, दे विल नॉट डिसअपियर. शरीर छूट जाने से वो आइडेंटिटीज गायब नहीं हो जाएंगी, क्योंकि आइडेंटिटी तो क्रिएट करी है. तो जब तक उसको खुद से खत्म नहीं किया जाएगा, इट विल कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड. अदरवाइज छोटे बचपन से फिर हमें दिखना चाहिए था परफेक्ट लाइफ, बट परफेक्ट लाइफ नहीं होती है. बचपन से कुछ ना कुछ चीजें, दे स्टार्ट, विच मीन्स कि सोल जो है लेकर आई है पुरानी आइडेंटिटीज. प्रैक्टिकल प्रूफ, डज दिस मीन कि इफ आई गिव सॉरो टू समवन, आई डोंट गेट बैक फ्रॉम देम? या पर्टिकुलरली नॉट बैक फ्रॉम देम, बट बिकॉज आई हैव गिवन सॉरो, इट विल कम बैक टू मी, डेफिनेटली.
इट विल कम बैक टू मी, एंड इट्स नॉट कि समथिंग गोज आउट एंड समथिंग कम्स यू नो बैक, बट मोर लाइक अगर यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी बनाई है तो इसको पेन मिलता रहेगा. अब ये आइडेंटिटी पेन दे रही है तो इसको पेन मिलेगा भी, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी ईगो का तो बेसिस ही है, दुख देना और दुख लेना. तो ये किसी को दुख दे रही है तो कहीं और से दुख वापस आएगा, उसी से आए या कहीं और से आए वो हमें, हम वी कांट गारंटी दैट, बट इट विल कम ना. जब तक आइडेंटिटी है पेन आता रहेगा. इज द ट्रैवलर अलाउड टू डू शॉपिंग? इफ येस देन व्हाट काइंड ऑफ शॉपिंग? दिस इज नॉट द पॉइंट. ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है. पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि ये ट्रैवलर कितना याद रखता है कि ये ट्रैवलर है, एंड इस ट्रुथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लाइफ एक्सपीरियंस किया जा रहा है, दैट आई एम अ ट्रैवलर. सो इट इट जस्ट कांट बी कि आई एम अ ट्रैवलर फॉर यू नो 5 मिनट्स जस्ट मेडिटेशन में, एंड देन दिन भर में आई गो अबाउट कि ये मेरा है मेरा है मेरा है. सो ये कंसिस्टेंट जो एफर्ट है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, ये कैसे चल रहा है? पॉइंट इज कि सोल को कॉन्शियस करना, सच्चे मैं को जगाना, सच्चा मैं जो सोया हुआ है उसको जगाते रहना और जगा के रखना. दिस इज द पॉइंट. हमारे सारे जो सेशंस हैं और डिस्कशंस हैं दे आर एम्ड, इनका लक्ष्य ये है. इज इट रॉन्ग टू से दैट वी आर सराउंडेड विद दो सोल्स ओनली विथ होम वी एक्सचेंज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन प्रीवियस बर्थ? रॉन्ग एंड राइट से ज्यादा वी या जरूरी वी कांट मेक दिस स्टेटमेंट. या रॉन्ग एंड राइट पे ना जाके आई विल से कि वी कैन नॉट मेक दिस स्टेटमेंट, कि जिनके साथ हम सराउंडेड हैं उनके साथ ही हमने प्रीवियस बर्थ में कुछ एक्सचेंज किया था. सो दैट स्टेटमेंट वी वी कांट मेक. व्हाट वी कैन मेक, हमारे क्या स्टेटमेंट है, हमारी स्टेटमेंट ये है कि मैंने जो एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है उसको खत्म करने के लिए कौन सा व्यक्ति विथ व्हाट ईगो विथ व्हाट सॉर्ट ऑफ ईगो इज नीडेड, तो वो आता जाएगा. सो दिस इज द स्टेटमेंट कि जितने जितने आइडेंटिटीज हमने क्रिएट करी हैं उसको गिराने के लिए कौन सा व्यक्ति विथ कैसा ईगो वो बनेगा. प्लीज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल इन प्रैक्टिकल प्लीज. या हमने इसको टच किया है पहले. ऋचा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं क्लियरली लिखें, बिकॉज वी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन. सो कौन सा एग्जाम्पल यू यू वांट? प्रीवियस सेशंस में आज भी वी गेव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. सो या हैड अ कॉन्वर्जेशन विथ समवन एंड कॉट माई सेल्फ दैट आई हैड आइडेंटिटी विथ मेडिटेशन इवन इवन डिडेंट फील बैड बट दे सेड समथिंग अर्लियर आई यूज टू. या गुड चेकिंग गुड चेकिंग. परिवार में रहकर रिश्तों में मेरापन आ ही जाता है. या इवन ये स्टेटमेंट भी हम नहीं बना सकते हैं कि आ ही जाता है. इट इज जस्ट कि वहां पे जो आत्मा है उसका बेहोश होने के ज्यादा चांसेस हैं और हम वो अटेंशन नहीं रखते हैं इसलिए वो बेहोश होते हैं. अगर हम अटेंशन रखें तो ये स्टेटमेंट भी नॉट नॉट वैलिड नॉट वैलिड कि वहाँ पर आ ही जाता है. इट्स जस्ट कि कहीं पर भी हम हैं वहाँ पर यू नो अटेंशन रखना सो वो देना है. दुख लेना दुख देना, हाउ इज इट पॉसिबल?
दुख देना दुख लेना, हाउ इज इट पॉसिबल? जो आइडेंटिटी है वो ही दुख देती है और वो ही दुख लेती है. सो एक अगर आइडेंटिटी है कि मैं माँ हूँ, तो ये आइडेंटिटी दुख देगी बाय एक्सपेक्टेशन. तो एक्सपेक्टेशन किससे करेगी? जो बच्चा है, तो जिसके लिए ये आइडेंटिटी बनी है कि मैं इसकी माँ हूँ, तो ये दुख देगी भी और बच्चे को एक्सपेक्ट करेगी कि वो हर समय बच्चे सम एक्सपेक्टेशन कि बच्चा ऐसा होता है, ऐसे ही करता है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए. तो जब वो नहीं करेगा तो ये आइडेंटिटी दुख लेगी. तो एक्सपेक्टेशन से दुख देगी, एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने से दुख लेगी. तो दिस इज द एग्जाम्पल. कार्मिक अकाउंट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में सेम सोल के साथ ही कार्मिक अकाउंट कैसे सेटल होता है? हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है, और यहाँ पर जो जो फैक्ट है कि ये जनरल स्टेटमेंट कि जो भी हमारे साथ है उसके साथ हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हुई ही हुई है, ये स्टेटमेंट हम नहीं बना रहे हैं. बाकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दिखाते हैं कि कभी वो सेम सोल है ना, एंड व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट ऑल्सो ना, कि ये सेम ही सोल है. अगर यहाँ पे हम किसी से बहुत अटैच्ड हैं तो हमें पिछला भी कुछ दिख रहा है, तो वी कैन अज्यूम कि ये वही है. तो दिस इज इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है. तो ये हम अटल सिद्धांत नहीं बोल सकते कि जो भी हमारे आसपास है उन हर एक के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट रहा है. ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है. लॉ इज कि यहाँ पर मैं जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं वो है एक ड्रामा के आधार पे पहचान बनाना, अपने रोल के आधार पे, बाहर के ड्रामा के आधार पे जो पहचान हमने बनाई है उसको खत्म करने के लिए जो जो सामने आते हैं, किसी के साथ हो भी सकता है, किसी के साथ नहीं भी हो सकता है. एक एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है आम साधारण रूप से कि कोई somebody is playing the role of my mother in law, so उनके साथ बहुत डोमिनेटेड फील हो रहा है. हम फील कर रहे हैं कि मेरा मेरे मुझे कंट्रोल किया जा रहा है जो भी ना, एंड वी जस्टिफाई इट कि मैंने भी पिछले जन्म में इसके इनके साथ ऐसे ही किया होगा, मैं इनकी मदर इन लॉ रही होंगी और ये मेरे बहू रहे होंगे और मैंने ऐसे ही किया होगा. तो अगर ऐसे रियल में होता देन जो मर्डर करता है फिर उसका मर्डर होता अगले जन्म में, फिर वो उसका मर्डर करता अगले जन्म में, ऐसे तो ये कभी एंड ही नहीं होगा. अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसने जिसके घर पे चोरी करी, विच मीन्स कि उन्होंने इसके घर पे पिछले जन्म में चोरी करी थी, तो फिर अब इसने करी है तो फिर दोबारा दूसरे जन्म में वो लोग फिर इसके घर पे चोरी करेंगे. तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट. लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट लिटरल इंसिडेंट्स रिपीटिंग, सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं, ऐसा नहीं है. और वो भी उन्हीं लोगों के साथ. नो नो वे. व्हाट लॉ ऑफ कर्मा इज कि अभी किसी के कोई डोमिनेट कर रहा है और मुझे यहाँ पे पेन पेन फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे इंफीरियर फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे नीचा फील हो रहा है, तो मैंने एक आइडेंटिटी बनाई है कि मैं ऐसे हूँ, मैं अपनी बात नहीं रख सकते, मैं अपना ये नहीं कह सकते. हमने कोई आइडेंटिटी बनाई है, तो उस आइडेंटिटी को, उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अभी एक सुपीरियर ईगो मिल रहा है. जहाँ इंफीरियोरिटी है वहाँ एक सुपीरियोरिटी का ईगो मिलेगा. हाँ, कहीं पर ये सेम सेम व्यक्ति ये कहीं और पे सुपीरियर एक्ट करता है तो वहां पे कोई और इंफीरियर फील करता है. तो ये सब जो इम्बैलेंस है, सो इसको खत्म करने का जो तरीका है वो है जस्ट आई को फिनिश करना.
If we are trying to wake up, then people around us will also start waking up, and I can see it happening gradually. Very nice. How can we explain physical ailments or accidents on the basis of creating wrong identity? Physical ailment या जो एक्सीडेंट्स हैं. सो इवन एक्सीडेंट, हर चीज हमें कैसे पता लगे कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी है. जैसे कि एक फिजिकल एलिमेंट आई ना, तो शरीर में कुछ हुआ है, तो हमें देखना है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे कैसे रो रहा है ना? सुनना है अंदर की आवाज. अगर माइंड ऐसे रो रहा है कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही है ना, लोग मुझे बीमार समझेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मुझे कैसे बीमारी हो सकती है. सो यू यू हैव टू ऑब्जर्व कि किस तरीके का यहाँ पर है, कि मुझे लोग कमजोर समझेंगे, मुझे समझेंगे कि डॉक्टर के पास कि इसको जाना पड़ रहा है, कहीं पे फिजिकल बीमारी आई है तो दुख इस बात का है कि अब खर्चा कितना ज्यादा होगा ना, कितना ज्यादा पैसा जाएगा. कहीं पर फिजिकल बीमारी आई है तो दुख इस बात का है कि अब बच्चों का क्या होगा, रिलेशनशिप्स का इधर दुख हो रहा है. तो दैट इज द आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी है. धन के साथ है, जहां पे भी जो वी कैन वेरी बहुत अच्छे से हम सुन सकते हैं कि रोने वाला जो पैटर्न है वो भी क्या है. जब पेन फील होता है, जब दुख फील होता है, वी हैव टू वॉच आवर थॉट्स. अपने थॉट्स को देख के पता चलेगा कि क्या है इसके पीछे आइडेंटिटी. तो किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका पूरा शरीर ठीक है, पूरा शरीर ठीक है, कहीं पर भी चोट नहीं आई, लेकिन उसकी गाड़ी को चोट आई, गाड़ी पर बहुत सारा स्क्रैच है. तो ये खुश होने के बजाय कि शरीर सब कुछ ठीक है, तो दुख इस बात का मेरी गाड़ी को कुछ हो गया, मेरी गाड़ी को. तो आइडेंटिटी कहाँ थी? गाड़ी के साथ थी, गाड़ी के आधार पे थी आइडेंटिटी, कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी. कुछ भी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाल सारे चले गए हैं, कुछ फेस पर कुछ हो गया है, तो उसका रोना इसी बात पर है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं अब मेरे को मेरा अब आई एम नॉट आई एम मैं बदसूरत लग रही हूँ. तो आइडेंटिटी इस आधार पे है, शरीर की सुंदरता के आधार पे है. इससे पता चलेगा, फिजिकल एलिमेंट में भी, एक्सीडेंट्स में भी, दिस सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी. इज दैट क्लियर? एंड अब्यूज इन फैमिली, सेम थिंग, सेम थिंग. वी हैव टू सी कि रोते टाइम क्या थॉट्स हैं, माइंड के रोते टाइम. तो थॉट्स यही है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई ये नहीं करता, मुझे तो कोई समझता ही नहीं, मैं इतना करती हूँ फिर भी मेरी वैल्यू नहीं करते. तो आइडेंटिटी इज यहाँ पर क्या होता है कि जैसा आइडेंटिटी होती है जैसी आइडेंटिटी होती है वैसी, जब आइडेंटिटी रूल करती है माइंड पर, तो वैसी हमारी समझ हो जाती है, उसी हिसाब से हमारी प्रायोरिटीज हो जाती हैं, मतलब हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं. और जो आइडेंटिटी रूल कर रही है उसी आधार पे हमारी डेफिनेशंस हो जाती हैं. सो यहाँ पर फिजिकली अगर कहीं पे ठीक नहीं है, फिजिकल कुछ वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसा कुछ है, तो वी नीड टू सी माइंड किस तरह से उस समय रोता है, क्या हर्ट हुआ है. तो हर्ट ये हुआ है, मैंने इतना किया, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूँ, और ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ परिभाषा ऐसी है कि जितना ज्यादा करो मतलब उतना ज्यादा प्यार है. कुछ हमें दिखेगा कि डेफिनेशन जो है वो कुछ बहुत मेजर लेवल पे, बहुत मेजर लेवल पे गड़बड़ है, बहुत बड़ा लूप होल होगा डेफिनेशन में. एक आइडेंटिटी किसी की हिट हुई कि
मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, यू नो समबडी वॉज क्राइंग, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते. तो वी आस्ट कि क्या रिस्पेक्ट नहीं, कैसे आपको लग रहा है रिस्पेक्ट नहीं करते. तो कहते कि मेरी परमिशन नहीं लेते हैं ना, मेरी परमिशन नहीं लेते हैं. तो उस ईगो के लिए समझ ये है कि परमिशन लेना मतलब मेरी रिस्पेक्ट करना. अगर कोई ना समझ है उसने परमिशन नहीं ली, लेकिन ईगो यहाँ पे इतना ही सीरियसली हर्ट है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी. और उसको लॉजिक भी नहीं दिख रहा है कि उसको पता नहीं है वो व्यक्ति जो है वो नया है, कुछ भी हो सकता है. बट ही इज बिल्कुल दृढ़ है कि मेरी यही यही डेफिनेशन है. तो जैसा आइडेंटिटी होगी ना, डेफिनेशन परिभाषाएं वैसी हो जाएंगी, प्रायोरिटीज वैसी हो जाएंगी, समझ चेंज हो जाती है, सब पे ताला लगता है. रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स, माई क्वेश्चन इज दैट इफ इन एन एक्सीडेंट समवन डाइज ऑन द स्पॉट, इन सच अ केस इज इट अ सिचुएशन फॉर फैमिली मेंबर्स टू ब्रेक देयर आइडेंटिटी, नथिंग रियली फॉर डिपार्टेड सोल इन दिस केस. या ना बिल्कुल, मैसेज फॉर द फैमिली मेंबर्स हो सकता है. कई बार ऐसा होता है कोई बहुत यंग है, शरीर छूट जाता है. सो यू नो वी सी कि वो वहां पे अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो दूसरों की तो आइडेंटिटी कितनी डीप है रिश्तों में. अब यहाँ तक फिर कुदरत को जो है नियम नियम अनुसार सिचुएशंस देनी पड़ती हैं. रिलेशनशिप में आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, तो मैसेजेस मिल रहे हैं पेन के. कभी किसी ने चीट कर लिया, कभी किसी ने झूठ बोल दिया, कभी किसी ने छिपा लिया, चल रहा है चल रहा है, मैसेज फिर भी नहीं मिल रहा है कि वो आपका नहीं है. तो फिर वो सीन से ही हटा दिया. कुदरत फिर ऐसा खेल खेलेगा कि सीन से ही हटा दिया उसको. देन आई हैव टू कम इन टर्म्स टू कि वो मेरा नहीं था. तो एक्सट्रीम एक्शंस, एक्सट्रीम कुदरत को सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ सकती हैं ना, और पड़ती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर हम आज क्या देखेंगे कि ये जो ईगो का खेल है, ईगो के जो खेल हैं वो कैसे चलते हैं. हम इसको देखेंगे एक यू नो एक कहानी के रूप में, एक कहानी जो आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी. तो इसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के आधार पे हम ये एक कहानी के रूप में देखेंगे, रामायण के थ्रू हम समझेंगे कि खेल कैसे चलता है ईगो का. तो यहाँ पर दिखाते हैं रामायण में जैसे कि दो कैरेक्टर्स हैं मेन ना, दो मेन कैरेक्टर्स हैं. तो एक है राम और एक है सीता. तो राम को दिखाया है कि वो हर रिलेशनशिप में परफेक्ट है ना, परफेक्ट बेटा है, परफेक्ट भाई है, परफेक्ट हस्बैंड है, हर रूप से परफेक्ट राजा है, राजकुमार है, हर रूप से परफेक्ट है. तो ये है राम. दूसरी तरफ है सीता. तो सीता बहुत गुणवान है, सीता बहुत शक्तिशाली है, सीता के अंदर प्योरिटी की, पवित्रता की बहुत शक्ति है. तो उसके अंदर इतनी शक्ति है कि जब ना कहते हैं कि वो धनुष उठाना है तो बड़े बड़े राजा आते हैं, महाराजा आते हैं, वो ट्राई करते हैं उठाने की, लेकिन सीता जो है वो आराम से एक हाथ से उठा के उसको ना साफ कर देती थी, नीचे से कुछ भी सामान. तो उसके पिता ने देखा तो वो हैरान हो गए कि इसको तो कोई उठा नहीं पा रहा है, लेकिन सीता जो है वो कितने आराम से. तो ये जो सीता है ये हमारे लिए ना, इसका जो सीता का जो सीता जो सिंबल है कि गुणवान थी, शक्तिशाली थी, प्योर थी, बहुत सच्ची थी, तो सही मायने में ये आत्मा की बात हो रही है. और जो राम है वो सही मायने में जो है परम आत्मा की बात हो रही है. परम आत्मा जो कि आत्मा का साथी है, कंपेनियन है. तो ये दोनों साथी हैं, जीवन साथी हैं और साथ में रहते हैं.
इनका राज्य बहुत सुखी, बहुत बढ़िया राज्य है ना, बहुत अच्छे से सब चलता है यहाँ पर, तो खूब अच्छा परिवार है। एक एक बस चीज है कि यहाँ पर राम जो है सीता को हमेशा एक चीज कहते हैं कि एक ये रेखा है, ये जो रेखा है इसको क्रॉस मत करना, इसको क्रॉस मत करना, तो हमारा सब बढ़िया रहेगा, ऐसे ही चलेगा, सब बहुत अच्छे से रहेगा, शक्तियां गुण सुख सब कुछ रहेगा, नेवर क्रॉस द लाइन। और साथ में फिर यहाँ पर एक शैतान भी है, तो ये जो शैतान है ये है रावण, तो ये रावण ही है। अलग अलग तरीके की जो आइडेंटिटीज हैं उन सबका राजा, तो ये डीमन है ना, ये शैतान है। तो हर एक आइडेंटिटी जैसे हमने देखा एक डाकू के रूप में काम करती है, तो ऐसे ही ये रावण के जो सब सर दिखाते हैं कि बहुत सारे सिर हैं, एक गिराओ तो दूसरा निकल आता है, तो ये है ईगो की आइडेंटिटीज। ईगो अर्थात आइडेंटिटी, ड्रामा के आधार पे जो आइडेंटिटी है वो है ये, तो ये मरते नहीं है जल्दी से। तो अब सीता रावण का हमेशा से यही प्लान रहता है कि हम जो है सीता को कैसे भी करके अपना बना लें। तो सीता जो है वो रानी है, महारानी है, क्वीन है, और राम जो है वो राजा है, किंग है, और ये शैतान है, ये डेविल है। तो इसका मन रहता है कि सीता को हम कैसे भी करके अपना बना लें, तो लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये इस लाइन के अंदर नहीं जा सकता है ना। तो बस सीता को अपना बनाने का तरीका ये है कि सीता को बाहर में आना पड़ेगा, तो ये ट्रिक्स क्रिएट करता है कुछ ना कुछ, और ट्रिक्स क्रिएट करता है या ना, जैसे भी समहाउ जो सीता है वो बाहर में ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनता है, एक डियर, एक डियर जो है सोने का हिरण, उसको सीता देखती है और सीता को बहुत अच्छा लगता है कि ये हिरण जो है इसको मैं प्यार करूं, अपने पास रख लूं। तो लेकिन राम ने कहा था कि आप लाइन को क्रॉस मत करना ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीता सोचती है इतनी भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, एक छोटा सा हिरण ही तो है, कौन सा मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ, एक हिरण है लाइन के बाहर है, इसको मैं लेकर आ रही हूँ, अपना बना रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो सीता ना थोड़ा काफी कुछ सोचती है, बट फिर उसको लगता है कि बस लाइन के बाहर जाएंगे और अंदर आ जाएंगे वापस ना 1 सेकेंड में, तो वो बाहर आती है, और जैसे ही सीता लाइन को क्रॉस करती है, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती है, तो रावण आ जाता है और रावण सीता को अपना बना लेता है ना, इमीडिएटली रावण जो है सीता को पकड़ लेता है। तो हमने जो हमारा ये पिक्चर हम बार बार देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक अदृश्य हर सीता के लिए एक लाइन है, हर सीता के लिए एक लाइन है। तो वो लाइन है कि अपने को कभी भी ये नहीं भूलना कि हम मेहमान हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, ये एक नाटक चल रहा है, ये पराई दुनिया है। तो ये ज्ञान की एक लाइन है, ज्ञान की एक रेखा है, और ये हर एक के लिए है। किसी भी मिनट जब ये ज्ञान की रेखा जो है ये क्रॉस हो जाती है, ये दिखती नहीं है, ये अंदर ही जैसे क्रॉस हो जाती है कि ये दुनिया जो है मेरी दुनिया है, तो सीता जो है तुरंत रावण के कब्जे में आ जाती है, और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में भी क्या होता है कि सीता लाइन को क्रॉस करती है और वो रावण, राम की जो रानी थी, तो यहाँ पर आके रावण की दासी बन जाती है। अंदर से ये रेखा क्रॉस करी तो रावण की दासी बन जाती है। तो यहाँ पर जो है इसका जो रावण की दासी बनने का जो ये प्रोसेस है, इसी को जो कहते हैं शोक वाटिका। तो फिर सीता जो है शोक वाटिका में रहती थी, वहां पे बहुत गोल्ड एंड ग्लिटर था, पूरे सोने की दुनिया थी, लेकिन वहां दुख ही दुख था। तो ऐसे ही ये जो
ड्रामा है, एज अ ड्रामा बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पे हम इसमें अट्रैक्ट होने लगे ना, गोल्डन ग्लिटर तो उससे प्रभावित होने लगे, तो फिर वहां पे दुख बहुत है, और वो गोल्डन ग्लिटर भी किसी काम का नहीं है। सो अब क्या होता है कि सीता ने लाइन तो क्रॉस कर दी है और रावण की दासी बन गई है, तो यहाँ पर रावण जो है पूरा उसको कंट्रोल करता है। कभी रावण का एक सिर है रिश्ते के आधार पर, वो कुछ मांगता है, प्यार दो, ये दो, हाँ कुछ भीख मांगो, तो सीता लग जाती है भीख मांगने उस रिश्ते से, उस संबंध से। दूसरा जो सिर है वो कुछ रात में भोजन मांगता है, ड्रिंक मांगता है, सिगरेट मांगता है, तो किसी भी तरीके की जो एडिक्शंस हैं, आदतें हैं, तो ये सब जब मांगता है, तो फिर अगेन सीता जो ना दासी है उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है रावण का कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो सीता फिर ना थोड़ा सा वो करके ले आती है, जो भी रावण को चाहिए, इसकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करती है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब रावण ईगो जो इच्छाएं करता है उसको सीता पूरा कर देती है ना, क्योंकि अदरवाइज रावण बहुत गुस्सा करेगा, सब कुछ करेगा। तो अब जब सीता रावण की इच्छा को पूरी कर देती है, कोई एक इच्छा कि मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलने हैं, मुझे शॉपिंग करनी है, मैंने बहुत दिनों से ना यूट्यूब पे मुझे कुछ देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, ना टाइम भी ठीक नहीं है लेकिन मुझे देखना है, हाँ, तो रावण जो है वो इच्छाएं क्रिएट कर रहा है। तो सीता जैसे तैसे अपना ना बिना मन से पूरा कर देती है। तो क्या फिर प्रश्न है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, सीता रावण की इच्छा पूरी कर देती है तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, क्योंकि तो सीता ऐसा करती है प्रॉब्लम खत्म करने के लिए ना, तो सीता प्रॉब्लम खत्म करने के लिए फटाफट से कर देती है। क्या प्रॉब्लम समाप्त हो गई? नहीं, इट मल्टीप्लाइज। क्यों प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती? क्योंकि और इच्छाएं जो है सर बढ़ते जाते हैं, और इच्छा होती जाती है सो प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती है और सिर जो है बढ़ते जाते हैं, तो इसीलिए रावण के 10 सिर हैं, 10 हैं या 10 से ज्यादा सिर हैं? दस सिर है कि 10 से ज्यादा सिर है? थाउजेंड्स, अनगिनत। सही, बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं, अनलिमिटेड है ना, अनगिनत, इतने सारे सिर हो गए रावण के। सो इतने सारे सिर हैं, यू कैन सी, रिश्ते, वेदर, पता नहीं क्या क्या, पोजीशन, जॉब, सबको बेचारी सीता जो है सब पूरी करती रहती है। तो ये खेल जो है काफी देर तक चलता है, रावण और सीता का ये जो दासी का रिलेशनशिप है काफी टाइम चलता है, लेकिन राम जो है वो देखता रहता है कि ये क्या हाल हो रहा है, क्या ही होता जा रहा है, और सीता पुकारती भी रहती है राम को, तो सीता बुलाती भी रहती है, याद करती है राम को। तो फिर राम जो है सीता से यही कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूँ, तुम रानी थी और अब दासी बन गई हो, तो ये बड़ा ऐसी हालत है और मैं देख रहा हूँ, और मुझे तुम्हें इससे फ्री करना है, मुझे तुम्हें इससे स्वतंत्र करना है। तो स्वतंत्र करने के लिए रावण कहता है कि बस एक शर्त है, बस एक शर्त है, मैं आपकी हालत भी देख रहा हूँ और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, परमात्मा कहते हैं मैं ही कर सकता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो क्या क्या शर्त है, क्या शर्त है जिसपे परमात्मा जो है एक ही शर्त पे सीता की पूरी पूरी मदद करेंगे, क्या शर्त है?
सिर्फ मुझे याद करो, और कोई शब्द? हिम्मत का कदम रखो, जो अपना मानते हो वो पूरा पूरा छोड़ दो, लाइन क्रॉस मत करो, अग्नि परीक्षा, सरेंडर, फॉलो व्हाट आई से, सो हाँ, सारे सारे राइट आंसर्स हैं। और सीता जो है उसके लिए एक ही शर्त राम रखते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर है, सर्जन है, वो जानता है कि इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, इस ये सर्जरी जो है ये कैसे करनी है, सर्जन जानता है, वो ये भी जानता है कि पेशेंट कितना तकलीफ में है, रात में भी कोई पेशेंट एडमिट होता है किसी सर्जरी के लिए, स्टोन हो गया है, कुछ हो गया है, तो सब कुछ सर्जन जानता है कि मुझे क्या करना है, तकलीफ कितनी हो रही है, सब कुछ। लेकिन ये सब करने से पहले वो एक शर्त रखता है, वो शर्त यही होती है कि आपको डिसाइड करना है, आप यू हैव टू टेक द कॉल, आपको डिसीजन लेना है। सो अंदर से यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू टेक द डिसीजन कि अब मुझे रावण को जो है फीड नहीं करना है। अब मुझे रावण को जो फीड है वो नहीं करना है, तो वो यू हैव टू डिसाइड, फिर मैं आगे की जो सर्जरी है वो शुरू कर सकता हूँ। यू नीड टू डिसाइड ना, निर्णय लेना। तो सीता को बस एक चीज करनी है, उसको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि मुझे रावण को फीड नहीं करना है, और मुझे ना राम का बन के रहना है। मैं कितनी खुश थी, उसको समझ भी आता है मैं कितनी खुश थी, फ्री थी, रावण ने क्या हालत बना दी है। तो बस एक डिसीजन लेना है, तो वो जो डिसीजन लेना है वो है ना आसान है, सिंपल, सभी डिसीजन अभी ले सकते हैं, सभी सभी अभी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ना रावण की सप्लाई को बंद करना है, एंड कैसे भी करके ना जस्ट राम का ही बनकर रहना है। तो सब डिसीजन लेंगे अभी, एक सेकेंड, एक डिसीजन की बात है, और राम कहता है कि मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, बस डिसीजन लेना है। सब ले सकते हैं डिसीजन अभी, तो फिर खत्म आज से रावण की, सेकेंड से रावण की किसी भी सप्लाई खत्म, ऑल ऑल द सप्लाईज ऑफ रावण, किसी भी तरीके से रावण को सहयोग देना, अब डिसाइड कर लिया है हमने, खत्म। मगर रावण नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, कुछ भी ना, रावण कोई इच्छा करता है तो बिल्कुल स्टॉप। स्टॉप ना, तो सिर्फ इच्छा करना, तो अभी कोई इच्छा नहीं करेगा कि किसी भी रिलेशनशिप में बेटे ना उनको प्यार से बात करना चाहिए, एटलीस्ट इतना समझना चाहिए, कोई बहुत इंसल्ट करे, बहुत बदतमीजी करे, बहुत ही बुरा भला कहे, तो डिसाइडेड कंफर्म कंफर्म है, कोई बहुत ही इंसल्ट करे, बुरा बुरा बोले, सो बिल्कुल भी उनकी गलती नहीं है, हम कैसे भी करके, दिस इज ऑल्सो फीडिंग रावण, सो वी विल नॉट फीड, है ना, थोड़ा सा भी हम ये नहीं करेंगे कि ये उन्होंने हाँ, यस, व्हेन इट गिव्स पेन ओनली देन व्हाई नॉट गेट रिड ऑफ ऑल दिस, कंफर्म इफ आई एम फीलिंग बैड आई हैव द आइडेंटिटी, है ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हम दुनिया में सबको ये बता सकते हैं कि रावण है, आइडेंटिटीज हैं, सब अग्री करते हैं, सारे अग्री करते हैं, और सारे
सब लोग समझते हैं कि ये ना क्वीन से दासी बन गई है, तो क्या हालत हुई है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. सो अभी तक हमारे आसपास क्या हर कोई पूरा पूरा फ्री हो रहा है? इवन जिन्होंने ये समझा हुआ है, पहले भी समझा हुआ है, पहले भी किसी ने कोर्स किया हुआ है, तो क्या हमने सबने डिसाइड कर लिया है तो सब फ्री हो गए? और डिसीजन लेने से क्या सब फ्री हो जाएंगे? डिसीजन लेने से डेफिनेटली सब फ्री हो जाएंगे. ये तो क्योंकि राम का प्रॉमिस है कि आप डिसाइड करो और फिर मैं बाकी सब देखता हूँ, तो हम कह रहे हैं कि हमने तो डिसीजन ले लिया है, तो फिर भी तो हम फ्री क्यों नहीं है? क्यों अभी भी पेन फील हो रहा है? इसका मतलब राम का प्रॉमिस तो झूठा नहीं है, उसने तो कहा है कि आप डिसाइड करो और मैं कंप्लीटली फ्री कर दूंगा, और हम कह रहे हैं कि हमने डिसाइड कर लिया है, बट फिर भी हम देख रहे हैं रावण का सब काम चल रहा है, दुख देना दुख लेना सब चल रहा है, विच मीन्स एक ही चीज सच हो सकती है, या तो राम का प्रॉमिस सच है कि डिसाइड करो एंड आई विल फ्री यू, या फिर तो ये बात सच है कि हमने डिसाइड किया नहीं है. दोनों में से एक ही चीज सच हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकते. एंड राम की जहां तक बात है तो उसका तो प्रॉमिस सच है कि एक डिसीजन आप लो कि मैं रावण को बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करूंगी एंड आपको मैं पूरा फ्री करूंगी, अगेन आई यू विल बी माई क्वीन. सो विच मीन्स कि वो डिसीजन हमने लिया नहीं है, कहीं ना कहीं डिसीजन अच्छा लग रहा है लेकिन लिया नहीं है. देर इज अ डिफरेंस, अंतर है. एक बात समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, और उस बात को हम कर रहे हैं, उसमें अंतर है. और ये जो डिसीजन लेना है, जिसके बाद से पूरे राम की टीम में वो डिसीजन लेना ही रोकता है, ये जो डेविल है, ये जो शैतान है, ये डिसीजन लेने को ही रोकता है. कैसे रोकता है? तो जैसे राम और सीता, राजा और रानी है, ऐसे ही शैतानी में ना, बहुत शैतानी में, डेविल में दो राजा और रानी है. सीता भी पावरफुल थी ना, बहुत पावरफुल है, राम भी बहुत पावरफुल है, ऐसे ही रावण जो है वो भी बहुत पावरफुल है, वो भी बहुत दृढ़ है, उल्टी चीजों में, झूठ में पावरफुल है. और इसकी एक पार्टनर है माया, तो माया भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, माया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है. माया क्या शक्तिशाली है? माया की शक्ति है, माया एक लॉयर है. माया एक लॉयर है, और ये कोई केस जो फाइल किया है, डिसीजन लिया है, उसको उसके अगेंस्ट जो है वो अपना जो है ना एडवोकेट करती है, अपना लॉयर केस के लिए अपना अपना पेशी करती है. तो कैसे करती है माया? तो माया अगर लॉयर है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा माया जो है वो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही पढ़ी लिखी, सब नॉलेज है उसको, हर तरफ की नॉलेज है, हर तरीके की, और वो बहुत ज्यादा होशियार है. और माया की जितनी भी होशियारी है वो सब रावण को जिंदा रखने की होशियारी है, तो इसीलिए वो उल्टी होशियारी है, रावण को जिंदा रखने की होशियारी है. तो रावण और माया ये टीम ईगो है, जिसको मरना नहीं है, तो ये इसकी होशियारी है. तो माया कैसे करती है? माया इतने समय से, माया फिर सीता की जो है वो फ्रेंड भी है,
माया इसकी इतनी अच्छी लॉयर है कि वो उसका डबल फेस्ड है, तो वो रावण के लिए ही काम करती है, लेकिन वो दिखाती ऐसे है कि वो सीता की फ्रेंड है। सो ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट। आई विल गिव एन एग्जाम्पल, मे बी माइट नॉट बी गुड गुड एग्जाम्पल, बट मुझे एक बार कहीं पे किसी ने कहा कि जॉब पर, वर्क पे किसी ने कहा कि आप जो है आज ऐसे ऐसे है, आप जल्दी चले जाओ, आज घर जल्दी चले जाओ, आज तो ये भी है ये भी है, ऐसे 3-4 रीजंस। और वो सीनियर, समवन सीनियर, तो फिर आई सेड ओके, आज जल्दी चले जाते हैं इतना बोल रहे हैं, तो मैं जल्दी चली गई। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक, तो जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेंट आई है कि आप कल जल्दी चले गए, और उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी है। तो वो वही व्यक्ति था जिसने मुझे बोला था कि कल ना जल्दी चले जाओ आप। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, पर्सन इज नॉट माया, बट माया ऐसे काम करती है, एक्ट्स लाइक अ फ्रेंड, फ्रेंड भी बनती है और फिर पीछे से आपका कुछ ना कुछ जो है इस तरीके से दुश्मनी भी निभाती है, दुश्मन दुश्मन की तरह। सो आई आई गॉट अ लेसन दैट डे कि ये ऐसे ऐसे भी होता है। सो एनीवेज, माया बिल्कुल सेम कैरेक्टर, माया का, माया कोई इंसान नहीं है, माया कोई व्यक्ति नहीं है, माया रावण का सपोर्टर है, और रावण भी कोई व्यक्ति नहीं है, रावण वो स्मॉल आइडेंटिटीज हैं। तो उनकी जो लॉयर है वो है माया। तो माया जो फ्रेंड है वो क्या करती है, वो सीता को ऐसे बोलती है कि हर चीज में सीता को बहुत अच्छे से अप्रोच करती है। तो सीता कहती है कि मैं ना अभी ये डिसाइड कर रही हूँ कि अब मैं राम की बन के रहूंगी, और सारा जो ये सप्लाई है रावण की ना, आई विल फिनिश दिस ये वो। माया कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है ना, बहुत अच्छा निर्णय है, इसको करो, लेकिन जो है ये जो डिसीजन है ये अभी 2 दिन, तो अभी आज फ्राइडे है, 2 दिन तो वीकेंड है, 2 दिन थोड़ा एंजॉय करो, मूवी देखो, खाओ पियो, फिर मंडे से ये स्टार्ट करना, मंडे से पूरा फुल ऑन मेडिटेशन, फुल ऑन मेडिटेशन, सिर्फ ड्रामा है इस तरीके से अपना जीना बिल्कुल, लेकिन 2 दिन जो है जस्ट थोड़ा सा इंजॉय करो। तो माया बहुत अच्छे से सीता को सपोर्ट करती है इस इंटेलिजेंटली, होशियारी से। तो सीता कहती है ठीक है, हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, मंडे से मैं पूरा फुल ऑन मेडिटेशन शुरू करती हूँ, अभी तो अभी तो इंडिपेंडेंस डे भी था, तो थोड़ा सा तो मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, तो मैं थोड़ा मूवी देखती हूँ, खाती पीती हूँ बाहर, और फिर मंडे से मैं पूरा शुरू करूंगी कि ये जो है ये ड्रामा है और मैं यहाँ गेस्ट हूँ। तो सीता को आइडिया अच्छे लगते हैं माया के नेचुरली। सो पहला सबसे चीज है कि माया पोस्टपोन कराती है, पोस्टपोन कराती है कि बाद में करो। फिर सीता मंडे को कहती है कि चलो आज से मैं पूरा इसी तरीके से मैं जीऊंगी और यही मेरा सीरियसली। तो माया कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है ये, लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल है, पूरे टाइम बस ये ड्रामा, डिटैचमेंट, ये सब, ये बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से मंडे को फिर सीता के पास एक नया नया एक्सक्यूज लेके आती है। तो ये जो हर माया का जो होशियारी है वो होशियारी तो बहुत ज्यादा है लेकिन लिमिटेड है। माया की जो जो जैसे कहते हैं ना गेम्स में हम कोई कार्ड खेलते हैं, तो कार्ड माया के गिने चुने हैं, अगर 52 कार्ड्स हैं तो उसमें से माया के पास बस कुछ ही कार्ड्स हैं, सारे नहीं हैं। तो अनलिमिटेड तरीके नहीं होते हैं माया के,
माया की जो ओवरऑल जो पॉलिसी है वो है डिवाइड एंड रूल। ओवरऑल पॉलिसी ये है कि डिवाइड एंड रूल, तो उसके लिए वो ये अलग डिवाइड मतलब राम से अलग करके यू नो एंड देन रूल, तो वो राम से डिवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं ना, ये मेन पॉलिसी है और इस पॉलिसी के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो राम के पास हर एक इसके यू नो इसकी हर एडवोकेसी के लिए एक सल्यूशन है। तो राम कहते हैं कि पोस्टपोन नहीं, अभी अभी करो। राम कहते हैं कि अभी करो, तो मंडे से आज से ना ये सब नहीं, अभी अभी इस सेकंड से प्रैक्टिस स्टार्ट करो ना, अभी दिस सेकंड, बाद में कुछ नहीं, बाद में वाला थॉट जो है टोटल माया है ना, अभी दिस सेकंड से। फिर कहती है बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। तो राम कहता है तो बहुत सहज है, तुम जब यू नो स्टार्टिंग से तुम्हारा अधिकार ही है रानी का, तो वापस वो बनना ये तो बहुत इजी है, सहज है ना। तो राम के लिए ये पूरा ट्रुथ में आने का जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत सहज है, क्योंकि आप हो ही वो, आप कुछ नया थोड़ी कर रहे हो, आप हो ही मेहमान, आप हो ही स्टार, आप हो ही राजकुमार, तो वही आप हो, ये सहज है। दूसरा ना तीसरा पॉइंट है, माया कहती है कि हाँ ठीक है सहज भी होगा, पता नहीं होगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना, टाइम टेकिंग कितना है ये। तो राम कहता है कि बिल्कुल नहीं, इस सेकंड आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इस सेकंड आप अपनी आंख खोल रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, 1 सेकंड का काम है। आत्मा को होश में लाया 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड से फ्रीडम शुरू है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो तो 1 सेकंड का है। 1 सेकंड भी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 सेकंड में हम ये जंप लेते हैं कि ये पूरा ड्रामा है, दिस इज ये ट्रुथ है, 1 सेकंड में पूरा गेम चेंज होने लगता है। और माया जो है फिर क्या करती है, माया फिर बोलती है कि ठीक है 1 सेकंड भी हो सकता है ना, तो लेकिन लेकिन उसका ऐसा कुछ चलता रहता है, लेकिन लेकिन तो डाउट्स क्रिएट करती है ना, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा है ना ऐसे। तो राम कहते हैं कि नहीं, रूल यही है, निश्चय बुद्धि विजयंती, जहां पे बुद्धि में निश्चय है वो उसकी जीत होगी, जहां पे बुद्धि में डाउट है संशय है, संशय बुद्धि हमेशा विनाशयंती। तो ना परमात्मा जो है, राम जो है वो एक रूल बताते हैं कि जहां पर यू हैव फेथ वहां पर होगी विजय, जहां पर भी यू हैव डाउट वहां पे निश्चित है आपकी हार, हार निश्चित है। संशय बुद्धि विनाशयंती मतलब वो अपना डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हार जाते हैं। तो ये लेकिन लेकिन है ना, सारा अपनी पावर्स को डाउट करना ये माया का काम है। फिर माया कहती है कि ठीक है अभी चलो फेथ भी रख लेंगे, हाँ फेथ भी सब कर ही लेंगे, मगर तुमने कितनी बार ऐसा सब कोशिश करी है और कितनी बार तुमने ये सब ट्राई किया है बट हुआ तो कुछ नहीं है, यू आर वीक, हाँ तुम ही कमजोर हो, चलो फेथ रख लें, लेकिन फेथ क्या ही रखें क्योंकि इतनी बार यू हैव फेल्ड ना, यू आर वीक। तो राम याद दिलाते हैं कि यू आर नेवर वीक, यू आर ऑलवेज पावरफुल, तुम तो शक्ति हो। तो राम याद दिलाते हैं कि आत्मा रूपी सितारा ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये ही ईगो क्रिएट कर रहा है, तो आज ये ईगो प्रेजेंट है, अगर ये ना क्रिएट करे तो ये सब तो कुछ है ही नहीं, इसने इजाजत दी है, ये पावरफुल वन है जो क्रिएट कर रहा है, वो पावरफुल है, जो क्रिएट हो गया है माया तो क्रिएट हुई है, ये कैसे बता रही है कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। तो राम यू नो गिव्स अ बहुत क्या कहते हैं मुंह तोड़ जवाब कि ये है सच।
तो पावरफुल है, आप ही तो क्रिएट कर रहे हो, आप पावरफुल हो। फिर जो माया है वो एक और तरीका लेकर आती है, फॉल्स एफर्ट का। वो एक तरीका लेकर आती है जो कि बहुत रिफाइंड तरीका है, जो कि ईगो बेस्ड एफर्ट। दिखने में पुरुषार्थ है, दिखने में एफर्ट है, लेकिन है फॉल्स। मान्यता जो है वो फिर भी गड़बड़ है। तो सुबह उठ जाएगी ना, सीता को यहाँ तक ले आती है कि सुबह सुबह उठ जाओ, सुबह सुबह अच्छी बातें सुन लो, थोड़ा देर ऐसे ना इधर उधर मेडिटेशन कर लो, मैं आत्मा हूँ टाइप, यू नो। बट अंदर में जो अंदर में काम करती रहती है कि ईगो को सुरक्षित रखने की, अंदर में यही कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा ये मेरा वो, मेरा स्टेटस, मेरा जॉब, मेरा ऐसा मेरा वैसा, अंदर में वही सेम, मगर बाहर से ईगो बेस्ड एफर्ट, फॉल्स एफर्ट। तो दाम कहते हैं ना, नहीं, आत्मा की, आत्मा को जागृत करो। अनन्या को अच्छा दिखाना, जो फॉल्स एफर्ट हमने बात करी ना कि गुड एंड राइट के बीच में, तो अनन्या को अच्छा दिखाना ये हो जाता है फॉल्स एफर्ट। अनन्या इज गुड, गुड स्टूडेंट, गुड टीचर, गुड ये, गुड बी के, गुड सम सॉर्ट ऑफ गुड रोल को, तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फोकस इज कैरेक्टर, फोकस इज ड्रामा। और राम कहते हैं नहीं, तुम इसको छोड़ो, यू वेक अप, यू नो द स्टार बिहाइंड अनन्या, उसको वेकअप होना है, उसको जगना है। तो ये जो है ये एक मैच चलता है ना, ये एक गेम चलता है, जैसे टेबल टेनिस का मैच होता है ना, टेबल टेनिस का मैच देखा होगा। तो टेबल टेनिस के मैच में क्या, डबल्स का, तो दो टीम्स होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर दो टीम्स हैं, एक तरफ राम और सीता है, दूसरे तरफ जो है रावण और माया है। सारी दुनिया में हम सुनते हैं ये रावण रावण, यू नो वर्ड रावण, माया माया, दुनिया ही माया है। तो एक्चुअली में माया क्या है, वो है ईगो के जस्टिफिकेशंस ना, उस आइडेंटिटी को जीवित रखने के जस्टिफिकेशंस। तो ये है ना जो गेम है। यहाँ पर जरूरी ये है कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी टीम जीत रही है। कैसे पता लगाएं कि रावण और माया जीत रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, ये दोनों जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है गेम में, कैसे पता लगाएं? ये कैसे पता लगा सकते हैं? संतुष्टता से पता लगा सकते हैं, और कैसे पता लगा सकते हैं कौन जीत रहा है? ईगो नहीं होगा, एक्चुअली में हम सब लोग अपने अंदर पता लगा सकते हैं कि कौन सी टीम जीत रही है। ये टीम जीत रही है रावण और माया, तो दुख, सम सॉर्ट ऑफ दुखी,
गंभीर, गंभीर नहीं, सीरियस, यू नो, मूड ऑफ इस तरीके का, और आत्मा और परमात्मा ये टीम जीत रही है। तो प्रत्यक्ष रिजल्ट, नॉट जस्ट प्रत्यक्ष बाहर में ही नहीं, आंतरिक खुशी। इस टीम का स्कोर बढ़ रहे हैं खुशी, खुशी, स्वमान, रिस्पेक्ट, निडरता, कोई डर नहीं, खुशी, ये सब ये टीम जीत रही है। भय है, चिंता है, दर्द है, दुख है, इस सेकंड क्या है, इसी सेकंड में पता लग जाएगा कौन सी टीम जीत रही है। दिस सेकंड ओके फील हो रहा है, ओके आई एम ओके, ज्यादा खुश नहीं, ज्यादा वो नहीं, रावण जीत रहा है, रावण एंड माया जीत रहे हैं। ओके एक ऐसी चीज है जो कि रावण और माया ही जीत रहे हैं। आई एम ओके, तो हु इज विनिंग, और इसीलिए हर एक के अंदर कौन सी टीम जीत रही है, तो हम देख सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति कैसा फील करता है। वो यही फील कर रहा है, दुखी है, हाँ मैं बड़े, हम उदास हैं, दुखी हैं, उदासी रहती है, वो टीम जीत रही है, रावण और माया की टीम जीत रही है। और खुशी रहती है, निडरता रहती है, असली टीम जीत रही है। और जो रावण और माया जीतते हैं, तो जैसे कहा कि ये पेनल्टीज हैं, कुछ ना कुछ पेनल्टीज होंगी, कुछ ना कुछ फाइन लगता रहेगा। और राम और सीता जीत रहे हैं, तो अवार्ड्स मिलते रहेंगे। वो अवार्ड्स जो है वो इनविजिबल अवार्ड्स हैं, इनविजिबल अवार्ड्स हैं, सुख का, बहुत ही सिक्योर्ड फील करना, निडर फील करना, निश्चिंत, तो ये टीम जो है जीत रही है इनविजिबल अवार्ड्स, राइट? सो फ्रीडम, फ्रीडम का एक्सपीरियंस, या सो ये हैं सारे ईगो के गेम्स। ईगो के गेम्स, तो ये हमारे को पता है, ये लिमिटेड गेम्स हैं, लिमिटेड गेम्स हैं ईगो के। और ये सारे लिमिटेड गेम्स जो हैं वो खत्म किए जा सकते हैं इन 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 आंसर से। एक एक और जो गेम रहता है माया का, कि मैं बहुत बिजी हूँ ना, तुम बहुत बिजी हो, सीता को कहना तुम्हारे पास बहुत काम है, कब करोगे? तो परमात्मा यही कहते हैं कि अंदर से बिजी मेरे साथ रहो, बिजी रहो, बिजी ड्रामा में मत रहो, बिजी विथ राम रहो। So, यहाँ पर एनी क्वेश्चंस? ऑल ऑल क्लियर। इज दिस गेम इन द बॉक्स? दिस गेम इज या इन द बॉक्स से, या जब तक आत्मा इस बॉक्स में है, दैट इज वेयर गेम, तो अंदर ही चल रहा है, गेम तो अंदर ही है।
माइंड के लेवल पर है गेम, लेकिन गेम तब तक है जब तक आत्मा उस बॉक्स में है, ट्रेवलिंग थ्रू दैट बॉक्स. जब तक उस बॉक्स में मुसाफिर है तब तक ये गेम चलता है, माइंड के लेवल पे चलता है. माया माइंड के लेवल पर है, परमात्मा का साथ जो है वो माइंड ना बुद्धि के थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे चलता है. और कोई क्वेश्चंस? या राजयोग मेडिटेशन को सीखने के लिए, समझने के लिए राम सीता की ये स्टोरी, और उस पे ना आपका एक्सप्लेनेशन वंडरफुल. या वंडरफुल. सो नॉट टू वरी अबाउट डिफीट्स एज इट्स अ गेम. गेम है एंड गेम में वी डोंट, ऐसा तो नहीं होता है कि गेम में वी डोंट वरी अबाउट लूजिंग. गेम तो खेला ही इसलिए जाता है क्योंकि दोनों टीम्स को जीतना है. सो गेम तो जीतने के लिए होता है क्योंकि जीत के अवार्ड है, हारने पर कुछ ना कुछ. ऑर्डिनरी गेम में कोई अवार्ड नहीं है, यहाँ पर हारने पर फाइन है ना. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अवार्ड नहीं. हमने देखा ना कल भी कि अगर इधर इस म्यूजियम में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ उठा के ले लिया है, इवन दुनिया में भी ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ उठा के जा रहे हैं तो वो बोलेंगे ठीक है वापस कर दो. वापस तो करो ही लेकिन फाइन लगेगा. सो ऐसे ही यहाँ पर भी इस गेम में भी जीत रहे हैं तो जर्नी के थ्रू एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा. हार रहे हैं तो हाँ हार रहे हैं, ओके इट्स अ गेम मूव ऑन, बट वो एक्सपीरियंस तो रहेगा ना. वो हारने का जो एक्सपीरियंस होता है, जो फीलिंग होती है, आई हैव लॉस्ट, हर्ट होता है, डिसअपॉइंटमेंट, वो फीलिंग्स के साथ भी वो फीलिंग हम एस्केप नहीं कर सकते. उस फीलिंग से हम भाग नहीं सकते. हाँ बट इज इंट माया मेकिंग अस फील डिसहार्टेंड इफ वी कांट डू समथिंग और कुडंट डू एफर्ट. बिल्कुल बिल्कुल. माया ही, माया क्या करती है ना कि जो राइट डायरेक्शन में जो एफर्ट है उसको जीरो करती है. तो जब जैसे सीता कोशिश कर रही है, शुरू हो रही है जगना, एक एक एफर्ट ले रही है, तो माया उन एफर्ट्स को ऐसे करेगी कि कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है. वो करेगी फॉर एवर तो नहीं हो रहा है, पूरे टाइम तो डिटैचमेंट नहीं है. तो स्टार्ट किया है सीता ने, तो माया उसी को कर देती है कि दिस इज नथिंग. दैट इज माया डिसहार्टन करने. हाँ फिर एफर्ट करना पड़ेगा डिफीट वाली फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए. बिल्कुल. तो हम फिर उसी में ना घूमते रहेंगे. तो इसीलिए हार ही तब होती है जब कुछ गलत कर रहे हैं. गलत कर रहे हैं मतलब लाइन क्रॉस कर रहे हैं. हार ही तब है जब लाइन क्रॉस कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो लाइन की हमने बात करी ना, वो लाइन जो लक्ष्मण रेखा है, वो लाइन ही है ज्ञान की रेखा. ज्ञान की रेखा अर्थात जो सत्य है उसको भूला, उसको क्रॉस किया, तो देन देन जो है फिर लाइन क्रॉस करने की वजह से हार है. तो ये हमेशा ही एक ड्रामा है, ये नाटक है, और सोल्स यहाँ पे बिलोंग नहीं करती हैं. कैन वी ऑलवेज आइडेंटिफाई माया इन एडवांस? यस. इसीलिए तो हमने देखा माया के सारे उसके सारे कार्ड्स, ताकि हम आइडेंटिफाई करें. इसीलिए वी हैव सीन ऑल द कार्ड्स. सारे माया के कार्ड्स हमने सिर्फ इसीलिए देखे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हम नहीं है, ये माया है. माइंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ माया.
हम पांच तत्वों को मतलब वाटर सेव करते हैं, और अगर दूसरा वाटर वेस्ट कर रहा है तो करने देना है। हाँ पूरा पॉइंट ये है कि ड्रामा को ड्रामा देख कर, ड्रामा को ड्रामा समझ कर, जो हाई इंटेंसिटी जो इमोशंस होते हैं, गुस्से के, रिजेक्शन के, वो तब आते हैं जब हम ड्रामा को ड्रामा देख नहीं रहे हैं। तो कोई वाटर वेस्ट कर रहा है, इज अ रोल, हम क्या कर सकते हैं, हम एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बिना इरिटेट हुए, बिना ये हुए, बिकॉज वी नो कि ये ड्रामा है। तो ये वाला रोल अगर आया, ये आइडिया आया, तो हमने कह दिया, उसके बाद भी वो नहीं करे, नॉट अ प्रॉब्लम, हम कर रहे हैं सेव। सो यहाँ पे माइंडसेट क्या है, ये छोटे छोटे डिटेल्स में जाके ये करना है ये नहीं करना है, ये पूछते रहे हम क्वेश्चंस, यू नो, इस तरीके के। बट सभी का सार ये है कि माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी वीकेंड पे अभी से सी माया, माया को देखेंगे, माया को जैसे कल भी कहा, माया को देख लिया, डाकू को देख लिया, वहां से उसका उसका जो है काम खत्म होने का शुरू हो जाता है। वंस यू आइडेंटिफाई, फिर वो नुकसान नहीं कर सकता, आपको पता चल गया है कि घर पे यू नो कौन है जो चोरी कर रहा है, उसके बाद से हम डैमेज जो है वो रोक सकते हैं। तो आइडेंटिफाई, पहचान लेते हैं। तो चलिए, ओम शांति, थैंक यू एवरीवन, ओम शांति।